दोस्तों, रूस द्वारा दिए जाने वाले डिस्काउंटेड प्राइस जब एकदम कम हुए, तब भारत को समझ आया कि किसी एक देश पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर रहना सही नहीं है, जिसके चलते अब भारत अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उन देशों से अपने संबंध मजबूत कर रहा है जिनसे हमारा व्यापार या तो कम है या तो है ही नहीं, ताकि किसी भी देश द्वारा दिए जा रहे प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो भारत परेशान होने की बजाय आराम से दूसरे देशों पर स्विच कर सके। इसी के चलते हाल ही में आ रही खबर के अनुसार भारत ने व्यापार के लिए अपना रुख चीन अमेरिका को छोड़ लैटिन अमेरिका की ओर कर लिया है, जिसे देखते हुए भारत के बाकी ट्रेडिंग पार्टनर चिंता में आ गए हैं। आखिर क्या है पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, भारत के लेटेस्ट एक्सपोर्ट का जो डेटा है वह निकल कर सामने आ चुका है, जिससे पता चलता है कि भारत के अभी के जो एक्सपोर्ट्स है वो 9 महीने में हुए एक्सपोर्ट से सबसे कम है। पिछले महीने भारतीय गुड्स के एक्सपोर्ट में 16% गिरावट देखी गई, लेकिन भारत ने अपने गिरते हुए एक्सपोर्ट्स को ठीक करने के लिए कुछ नए तरीके पर काम चालू कर दिया है, जिसके चलते भारत के जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पार्टनर हैं जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, जिनसे हम अपनी दूरी बनाकर नए ट्रेडर्स को वेलकम कर रहे हैं, जिस वजह से अब आपने देखा होगा कि भारत हाल फिलहाल में लैटिन अमेरिका के साथ कई अलग अलग चीजों को लेकर अपना व्यापार कर रहा है। आपको बता दें, इस मुहिम के चलते फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भारत द्वारा गुआना के साथ आलू का एक्सपोर्ट किया गया, और तो और क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट के लिए भारत ने चिली को चुना, जिसके लिए हम पहले चीन पर डिपेंडेंट थे। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके बाद अब भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के लिए भी लैटिन अमेरिका और जापान जैसे देशों की अलग अलग जगह को टैप किया गया, ताकि ज्वेलरी का जो इस समय गिरता हुआ एक्सपोर्ट है उसको काबू में रखा जा सके। आपको बता दे, इंडिया की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि इंडिया अब अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करने पर ध्यान दे रहा है, ताकि कुछ कंट्रीज पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। और तो और, हम ऐसे ऐसे एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां पर पोटेंशियल तो काफी था, पर हमारे द्वारा उस पोटेंशियल को पहचाना नहीं गया था, जिसके चलते अब भारत ने लैटिन अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड को 100 बिलियन तक पहुंचा दिया है, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है। और ऐसे ही कई और भी देश हैं जिसके साथ भारत अपना व्यापार संबंध लगातार बढ़ाता जा रहा है, सो दैट हम किसी एक देश पर अपनी निर्भरता के चलते सफर ना करें। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना ऐसे एडवांस कार्गो अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी की खरीद करना चाह रही है, जो चैलेंजिंग लोकेशन खासकर की चीन के साथ जुड़े नॉर्दर्न बॉर्डर पर क्रिटिकल पेलोड के ट्रांसपोर्टेशन में एक क्रांतिकारी बदलाव यानी कि उसको रिवॉल्यूशनाइज करने की क्षमता रखता हो, ताकि हमारी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज को इनहेंस किया जाए। ये पहल सशस्त्र बलों में कार्गो ड्रोन के सफल इंडक्शन के बाद शुरू की गई है। कार्गो यूएवी मिलिट्री लॉजिस्टिक ऑपरेशन के कंडक्टेड तरीकों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन एडवांस एरियल सिस्टम को लंबी दूरी तक सिग्निफिकेंट पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों को एसेंशियल सप्लाईज पहुंचाने का एक सीमलेस और एफिशिएंट मींस यानी साधन प्रोवाइड करता है। 100 किलोग्राम से भी ज्यादा के पेलोड के साथ ये फ्यूचरिस्टिक मशीन युद्ध के मैदान को एक नया आकार देने और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को क्रूशियल एज प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है। हाल ही में भारतीय सेना अपनी स्पेसिफिक ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कार्गो यूएवी कॉन्फ़िगरेशन के विकास पर कोलैबोरेशन करने के लिए डोमेस्टिक डिफेंस ड्रोन स्टार्टअप के साथ एक्टिवली जुड़ रही है। एडवांस कार्गो यूएवी की खरीद को बढ़ावा देने वाले के मेन मोटिव में से एक है यूएवी की बढ़ी हुई पेलोड कैपेसिटी की डिमांड। आपको बता दें कि आज के समय में कार्गो ड्रोन 10 से 20 किलोग्राम के रेंज में ही पेलोड ले जाने में सक्षम है, तो वहीं आर्मी इस रेंज को कई आगे तक एक्सटेंड करना चाहती है। धीरे धीरे 40 से 60 किलोग्राम वाली कैटेगरी की और बढ़ते हुए इन ड्रोनों के फंक्शन से और भी ज्यादा एफिशिएंसली काम करने की उम्मीद है, जिससे राशन और बाकी सप्लाईज को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। भारतीय सेना की डाइवर्स और डायनेमिक ऑपरेशन नीड को पूरा करने के लिए कार्गो यूएवी की खरीद में कई कॉन्फ़िगरेशन पर विचार किया जा रहा है, जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी VTOL कैपेबिलिटी से लैस यूएवी भी शामिल हैं, जो उन्हें चैलेंजिंग इलाके पर तेजी से नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा सेना ऐसे यूएवी की फीसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है जो एडवांस लैंडिंग एरियाज में स्थित छोटी एयर स्ट्रिप से अच्छी तरह उड़ान भर सके।
और इजिली उतर सके ताकि उनकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को और भी ज्यादा इनहेंस किया जा सके। भारत की इस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी आगे आ रही है। साथ ही इस तरह के यूएवी भारत दूसरे देशों से खरीदने पर भी विचार कर रहा है। इस तरह के यूएवी भारत को युद्ध जैसी स्थिति में काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।